अजय देवगन एड में जो विमल खाते हैं वो असल में मिल्क पाउडर होता है। कोल्ड ड्रिंक के एड में ये जो बर्फ होती है ये असल में प्लास्टिक की होती है। और क्यों 5 रुपए के चिप्स के एड को बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। ऐसे ही और भी एड्स की रियलिटी जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8 फ्राइज। फ्राइज के एड में ये लोग स्पंज का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर वक्त फ्राइज भी नकली होती है। ये लोग स्पंज में स्टिक डालते हैं और फिर उसमें फ्राइज लगाते हैं ताकि फ्राइज और उठ के दिखे। और अगर शूट ज्यादा देर तक चलता है तो फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्राइज बिगड़ ना जाए। नंबर 7 आइस क्यूब। आपने कोल्ड ड्रिंक के एड में उसकी बर्फ देखी होगी, लेकिन ये जो बर्फ है ये एक्चुअली में प्लास्टिक की होती है। दरअसल एक एड को शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है, और इसीलिए इसकी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक के क्यूब नॉर्मल बर्फ से ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। साथ में इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये बर्फ की वजह से पानी आया है और एड्स और भी ज्यादा रियल लगे। नंबर 6 पोटैटो चिप्स के एड देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है और ऐसे एड्स में कितना ही खर्च आता होगा क्योंकि इसमें ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार होता है, लेकिन इन एड्स को शूट करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इसीलिए इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। और इन एड्स को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 मसाला एड्स। टीवी पर ये जो मसाला एड्स होती है इसमें जो मसाला होता है वो बिल्कुल फेक होता है, क्योंकि जो मिर्ची पाउडर या हल्दी दिखाई जाती है ये सिर्फ कलरफुल पाउडर होते हैं, क्योंकि रियल मसाले उतने ज्यादा ब्राइट कलर के नहीं होते। ऊपर से ये लोग जो मसाले से सब्जी बनाते हैं उसमें भी ये कलर ही डालते हैं ताकि मसाले से बनी सब्जी अच्छी लगे। और जो एक्टर होते हैं ये भी सब्जी खाते ही नहीं, बस खाने का नाटक करते हैं क्योंकि ये मसाले खाने लायक होते ही नहीं। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि 100K भी काफी करीब है। नंबर 4 हेयर। हेयर प्रोडक्ट्स के एड में ये लोग ग्रीन स्क्रीन मैन का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरीके से ग्रीन स्टिक्स का यूज करके बाल को हिलाते हैं और फिर सिंपल वीडियो एडिटिंग से ये लोग उसे गायब कर देते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग की कोई कमी होती ही नहीं और इसीलिए ये इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। और एक्ट्रेस के बाल अच्छे दिखने की ये भी वजह है कि इनको कई हेयर स्टाइलर्स घंटों लगाकर इनके बाल सेट करते हैं और टीवी एड्स में ये कहते हैं कि इनके बाल इतने अच्छे बस एक प्रोडक्ट से हुए हैं। नंबर 3 विमल। आपने विमल का एड तो देखा होगा, पर इसमें जो विमल होता है ये खाली होता है, पैकेट में कुछ होता ही नहीं। इसके कई रीजन है। सबसे पहले कि एक्टर इसे खाने से मना करते हैं और वैसे भी भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें सारी चीजें गिर सकती हैं। और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है रियल में इतना केसर होता ही नहीं। और इसमें जो पैकेट दिखाई जाती है वो भी रियल विमल के पैकेट से साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इसमें हवा भी भरी जाती है ताकि ये भरा भरा दिखे। और इसके कुछ एड्स में तो विमल होते ही नहीं, उसके जगह पर ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप का यूज किया जाता है और फिर एडिट करके उसमें विमल के पैकेट्स डाले जाते हैं। नंबर 2 बियर एड्स। बियर के एड्स में ये जो बियर होती है इन्हें आप पी लो तो आपकी जान भी जा सकती है, पर ऐसा क्यों? आखिर बियर के एड में क्या ही फेक होगा? जो एक्चुअली में ये लोग बियर के अंदर बियर डालने से पहले उसके अंदर शैम्पू डालते हैं क्योंकि शैम्पू डालने से बहुत ही ज्यादा झाग पैदा होता है। आमतौर पर जब बियर डाली जाती है तब झाग पैदा होती है, लेकिन वो बस कुछ ही सेकंड के अंदर चली जाती है, पर जो शैम्पू वाला झाग होता है वो जल्दी जाता नहीं और एड शूट करने में आसानी होती है। पर कई बार ये लोग बियर की जगह पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेट्रोल दिखने में ज्यादा कलरफुल लगता है और अगर कोई वो पी ले तो उसका क्या हाल होगा ये तो आप जानते होंगे। नंबर 1 फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स के एड में फ्रूट्स को चमकता देखा होगा, लेकिन इनके ऊपर हेयर स्प्रे को छिड़का जाता है और ये फ्रूट में काफी ज्यादा चमक लाता है। दूसरा तरीका है नेल पॉलिश। इसमें फ्रूट के ऊपर नेल पॉलिश लगाया जाता है जिससे भी फ्रूट बहुत ज्यादा चमकता है, पर ज्यादातर फ्रूट्स के एड में हेयर स्प्रे ही यूज होता है क्योंकि वो इजी और सस्ता है, तो ऐसे एड्स वाले हमें उल्लू बनाते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता होगा कि इंडिया में ओमिक्रॉन धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोविड के सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।